नमस्कार। रुपया पैसा जिंदगी में मायने जरूर रखता है, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे अहम चीज होती है रिश्ते। अगर रिश्ते आपका साथ दे रहे हैं तभी आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाते हैं, और जब कुछ बेहतर कर पाते हैं तो उनको एंजॉय करने के लिए भी आपको अपनों की जरूरत होती है। तो अपनों का साथ बनाए रखिए। अगर अपने आपके साथ हैं तो आप जिंदगी में कभी अकेले नहीं पड़ सकते, और ऐसे ही आपके एक अपने हैं हम सब, यानी आपके तारे की पूरी टीम। तो आइए आपके साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और आपका साथ देंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। तो आइए आज के दिन को समझते हैं, आज के दिन को जानते हैं ज्योतिष गुरु से, लेकिन उससे पहले पंचांग तो जान लें। आज 24 मार्च 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। चैत्र मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष अमावस्या है दोपहर 2:58 तक, और उसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है देर रात 4:19 तक, और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज चैत्री अमावस्या है, गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं देर रात 4:19 से, और महापात है शाम 6:25 से रात 11:06 तक। तो ये तो बात हुई पंचांग की, अब बात होगी हमारी और आपकी। तो कैसा है हम सबके लिए आज का दिन, और कैसे हमें प्लान करना है आज के दिन के एक एक पल को, आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। मेष और वृषभ, सबसे पहले आप। मेष राशि वालों के लिए काम और कारोबार में कई नई संभावनाएं उभर रही हैं, और आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है, इसलिए काम और कारोबार ही प्राथमिकता का क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने से लाभ हो सकता है। ये और बात है कि आपका मन कुछ बुझा सा हुआ है और रिश्तों को संभाले रखना कठिन होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समूह में? अगर रिश्तों में दरार पड़ जाए तो अच्छी भली स्थिति भी कमजोर लगनी शुरू हो जाती, और ये वैसे भी आपके दबाव को बढ़ाता हुआ समय है जो रिश्तों में मुश्किलें पैदा करता चला जाए। घर परिवार में अपनों के विचारों को समझना होगा ताकि आप उनकी इच्छाओं के अनुरूप खुद को ढाल सकें। क्या ना करें इस समय में? कोई भी ऐसा परिवर्तन करने की कोशिश न करें जिसके चलते आप अपनी स्थिति में कोई खतरा मोल ले लें। तकदीर को आजमाने के प्रयास में या अपनों से दूर हटने के विचार से कोई भी बड़ा कदम उठाना इस समय ठीक नहीं। वृषभ राशि वाले समझ लें कि अच्छी भली स्थिति में भी दबाव बढ़ सकते हैं और नुकसान जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपको भी लगेगा कि लोगों की वजह से ये दबाव बढ़ रहे हैं, जबकि आपके अपने फैसलों की वजह से भी इस समय की कमियां उभर रही हैं। क्या करना चाहिए इस समय? पैसे की स्थिति मुश्किलों के दौर से गुजर रही है। अगर पैसा फंस जाए तो आगे चलकर अपनी सुख समृद्धि पर भी बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए भी अपने हालात को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। कामकाज से जुड़े बढ़ते हुए दबाव की वजह से भी पैसे के लेन देन से जुड़े सही फैसले करने होंगे आपको। क्या ना करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी कोशिशों को कम ना होने दें। अपनों से अच्छी सलाह और समर्थन के योग बने हुए हैं, पर ऐसा सोचकर अपने प्रदर्शन को कम कर लेना ठीक नहीं। तो अपनों से अच्छी सलाह आपको मिलेगी, लेकिन उन्हीं के भरोसे आप अपने प्रदर्शन को खराब कर लें ये बिल्कुल सही नहीं होगा। प्रदर्शन बनाए रखिए। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है हिमांशु सेठी का, 24/6/1999, 7:30 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। सवाल क्या है इनका कि समस्याएं हैं कि खत्म ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है अपनी लाइफ में, ऐसा इनका कहना है। अब एक बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, क्या इसमें इनको सफलता मिलेगी? मिलेगी तो कब तक? और जिसको बहुत चाहते हैं क्या उसे शादी हो पाएगी, ये जानना चाहते हैं आपसे। हिमांशु, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतरदशा चल रही है राहु की अगस्त 2021 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। बिजनेस शुरू किया है, क्या उसमें सफलता मिलेगी? देखिए, बड़ी सफलता का समय बनता है जी लगभग अब से 1.5 साल के बाद। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आप किसी को पसंद करते हैं, उससे शादी होगी कि नहीं होगी? अभी आपकी उम्र बहुत कम है और अभी समय भी नहीं आया शादी का, तो आपकी शादी हो सकती है अब से लगभग 4 साल के बाद, और उस समय वो आपकी मर्जी की शादी हो सकती है। देखिए, 1.5 साल बाद बिजनेस में सफलता का योग है, और जिसे प्यार करते हैं उसे शादी का योग 4 साल बाद है। तो अभी आपको बिजनेस में सफल होना है, अपने को तैयार करना है किसी का हाथ मांगने के लिए, फिर 4 साल बाद शादी तो होगा सब कुछ, लेकिन जिंदगी में जो प्राथमिकताएं हैं पहले उनके साथ हमें आगे बढ़ना होगा, और वो पहली चीज है आपका करियर। आगे बढ़ते हैं हम, और अब बात कर लेते हैं प्रियंका शरण की, जो कि पूछ रही हैं अपने पिताजी के लिए, श्री महेश चंद, 6/6/1976 रुंधी डिस्ट्रिक्ट पलवल में इनका जन्म हुआ है हरियाणा के, 4:30 पर शाम को। कब तक जॉब लगेगी? पापा की इस समय उनके पास जॉब नहीं है।
प्रियंका, आपने अपने पिताजी के बारे में पूछा, उनका नाम महेश जी है, महेश जी की कुंडली है जी तुला लग्न की और कन्या राशि की, उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की सितंबर 2020 तक। आपने पूछा कि महेश जी को जॉब कब मिलेगी। देखिए, अगर कोशिश की जाए तो जून जुलाई 2020 में उनको जॉब मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ समझना है। देखिए, फिर से कैरियर शुरू करना ये बहुत ज़रूरी सी बात है और आगे चल के अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा लगन बना के उसमें स्थिरता बनाने की कोशिश करनी है, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। देखिए, जून जुलाई 2020 में जॉब मिल जाएगी, लेकिन उनको थोड़ी स्थिरता बनानी होगी अपनी लाइफ में, थोड़ी स्टेबिलिटी लानी होगी। इसके लिए काम काज पर बहुत ध्यान देना होगा और बिना वजह की चीज़ों से, विवादों से खुद को दूर रखना होगा। सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे हम मिथुन और कर्क आपकी। कैसा है दिन? मिथुन राशि वालों के लिए कई तरह की चुनौतियां पहले से ही चल रही हैं और नए बनते हुए दबाव भी उसमें कोई ना कोई कमी दर्शा रहे हैं। आप तकदीर के भरोसे चलना चाह रहे हैं और तकदीर आपका साथ नहीं निभा रही, इसी वजह से सेहत की ओर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय? आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है और ये चीज आपको परेशान भी कर रही, पर जिंदगी में किसी न किसी तरह का परिवर्तन तो बना ही रहेगा, इसे सच्चाई के रूप में कबूल कर लेने में ही फायदा। पर निजी जीवन की खुशियों को संभाले रखने के लिए रिश्तों की ओर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय? अपने काम या कारोबार में अपनी मेहनत जरूर लगाएं पर उसमें जरूरत से ज्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है आपके साथी सहयोगी आगे चलकर अपना हाथ खींच लें और ऐसे में उनकी ओर से बनी हुई मदद भी कहीं ना कहीं कम होती चली जाए। कर्क राशि वालों को काम और कारोबार में नई संभावनाएं टटोलनी होंगी और नए साथी सहयोगियों के साथ हाथ मिलाकर नई योजनाएं बनानी होंगी। ऐसा करते हुए आपको कई तरह की मुश्किलें भी झेलनी पड़ेंगी, पर छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाने के बजाय उनसे कुछ ना कुछ सीखने का भी प्रयास करना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? कोई भी तकरार इस रूप से परिवर्तित हो सकता है कि आपको लोगों की बात सुननी पड़े और उनसे समझौता करना पड़े। अगर ऐसी स्थिति बने तो अपने मन में उठते हुए तूफान को थामना होगा। काम और कारोबार से जुड़े फैसले भी इस रूप से करने होंगे जो आपको लोगों से जोड़ सके। क्या न करें इस समय में? काम कोई भी क्यों ना हो पर अपने भरोसे को कमजोर न पड़ने दें और उसकी वजह से आपकी मेहनत बिखरती चली जाए तो वो भी ठीक नहीं। हर तरह की नई संभावनाओं की ओर नजर रखें ताकि आपका भरोसा जगा रहे और आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। तो नई नई संभावनाओं को भी टटोलते रहिए ताकि आपका खुद पर भी भरोसा बना रहे। सिंह और कन्या राशि, देखिए, आप पर भरोसा बना रहे, यही आपके तारे का लक्ष्य होता है। अगर आपका खुद पर भरोसा है तो सब कुछ कर सकते हैं आप जिंदगी में। दरअसल आज क्या करें क्या ना करें वो हम आपको बताते हैं। सिंह राशि वालों के लिए तकरार की स्थिति पहले भी रही है और अब घर परिवार में आपके अपने भी उसमें पड़ते चले जा रहे हैं और बात बिगड़ रही है। आपका व्यवहार भी कुछ समय से ऐसा रहा है जो हालात को संभाल नहीं पाया, इसलिए आपकी मानसिक द्वंद की स्थिति भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों की स्थिति पहले संभली हुई थी पर अब उसमें कठिनाइयां नजर आ रही, इसलिए बहुत सारा धैर्य और बहुत सारी सहजता अपनानी होगी और किसी भी बात को बिगाड़ते चले जाने से बचना होगा। जिंदगी इस तरह के इम्तिहान हम सब से लेती है, पर ऐसे में अपने व्यवहार को सख्त करके लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाने से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय? अपना मन उचाट करके आप लोगों से दूरियां ना बनाएं, इसलिए कोई बड़ा कदम उठाने की भी कोशिश ना करें। बहुत सारी चीजें धैर्य बनाए रखने से भी संभल जाती हैं और इस समय तो आपकी आर्थिक स्थिति वैसे भी आपकी मुश्किलों को संभालने में आपकी मदद कर रही है और ये भी कोई छोटी बात नहीं। कन्या राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत अच्छा लग रहा है पर अब उसमें कठिनाइयां बढ़ती चली जा रही, आपकी ओर से भी कोई ना कोई ऐसी बात रही है जो गलत फहमियों को बढ़ाती चली जाए, इसलिए भी आपकी कोशिशों को बनाए रखने के बावजूद हालात कमजोर पड़ते चले जा रहे। क्या करना चाहिए समूह? घर परिवार की खुशियों को अब भी बनाए रखें और भविष्य में भी उस ओर नजर दौड़ा लें। अगर किसी रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए अपनों के समर्थन में कमी आ रही है तो उस बारे में भी सोच लें। क्या ना करें इस समय? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आपके चाहने वाले आपके साथ हैं या आपके दोस्त आपकी ही तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि बदलता हुआ समय और कहीं ना कहीं ऐसी जुड़ी हुई स्थिति भी है जो लोगों के समर्थन में कमी दर्शा रही, इसलिए अपनी ओर से लोगों के प्रति इतना भी उदारवादी ना हो जाएं कि आप अपना ही नुकसान कर लें और आपको पता ही ना चले। इतना भी उदार नहीं होना है दूसरों के लिए कि आप अपना ही नुकसान करना शुरू कर दें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है हमको जिंदगी में, हमें सवाल भी लेना पड़ता है और सवाल है नरेंद्र का
1/10/1973 10:10 सुबह इनका जन्म हुआ है रोहतक में। लेट मैरिज हुई, फिर 6 महीने में अलग भी हो गए। क्या दूसरी शादी का कोई योग है? एक ये इनका सवाल है। और बिजनेस कब तक सुधरेगा इनका? नरेंद्र जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2021 तक। शादी में पहले ही देरी हो गई थी, और 2014 में जब शादी हुई आपकी फाइनली, तो वो आपने कहा कि 6 महीने चली और फिर अलग होना पड़ गया। अब आपका सवाल यह है कि क्या दूसरी शादी हो पाएगी, क्योंकि उम्र भी बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर कोशिश करें तो अक्टूबर से दिसंबर 2020 में शादी हो सकती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत संयम बरतना होगा, बहुत तालमेल के साथ चलना होगा। आपकी कुंडली कुछ ऐसी है जो इस तरह का इशारा कर रही है। अक्टूबर से दिसंबर 2020 में दूसरी शादी जरूर हो सकती है, लेकिन उस रिश्ते में भी बहुत तालमेल बनाना होगा। आपको अपनी तरफ से बहुत प्रयास करना होगा कि रिश्ते की मधुरता बनी रहे। सवाल लेंगे, सवाल है कृष्णा का। डेट ऑफ बर्थ 24/9/1978 4 बजे दिल्ली में जन्म हुआ है। आर्थिक स्थिति कब तक अच्छी होगी? ये सवाल है ताकि अपनी शादीशुदा जीवन की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाए, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाए, और मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी कब तक, ये भी जानना चाहते हैं। कृष्णा, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतरदशा चल रही है केतु की दिसंबर 2020 तक। कब तक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी ताकि आप अपने बच्चों की हर तरह की जरूरतों को पूरा कर सकें? बहुत सुंदर विचार। 2021 से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर ये सब कुछ अपनी मेहनत से होता है, कोई चमत्कार नहीं होता जिंदगी में, इस बात को समझिएगा। आपने पूछा कि शादीशुदा जीवन में कुछ तकरार रहता है, उसे कैसे सुधारा जाए? तो देखिए, कुछ कमियां आपकी ओर से हैं। आपकी भावुकता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर अपने अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता बिठा लेते हैं, ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। 2021 में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, और शादीशुदा जीवन में व्यवहारिकता और साथ ही साथ संवेदनशीलता दोनों का एक तालमेल हमें बनाना होता है। थोड़ा समझदारी दिखानी होगी ताकि चीजें बेहतर हो पाए। आगे बढ़ते हैं हम अगले राशि की तरफ, और वो राशि है तुला और वृश्चिक। तुला राशि वालों के लिए जिंदगी की खुशियों के बने रहने का समय। आपको लोगों का हर तरह का समर्थन मिलेगा, और आप घर परिवार में भी उन खुशियों को बनाए रखेंगे। आप लोगों को भली भांति समझ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्या करना चाहिए समय में? काम से जो लाभ बन रहा है या लाभ की वजह से जो काम की स्थिति बन रही है, उसे संभाले रखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फेरबदल हो सकता है। आपकी अच्छी कोशिशों के बावजूद लोगों से तालमेल में कमी आ जाए तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में लोगों को नाराज बिल्कुल ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरह का बुरा असर आता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों की मेहनत नजर आ रही है, पर उसमें आपके अपनों का सहयोग भी मिला हुआ है। ये सारा का सारा समय कुछ ऐसा बन रहा है जो आपके निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने में आपकी मदद कर सके। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति को भविष्य के लिए संभालना बहुत जरूरी है, और वो भी आपकी अपनी मेहनत और आपकी कोशिशों से ही हो पाएगा। इसलिए ऐसा सोच लें कि अपनी क्षमताओं को उभारने से ही आप अपने भविष्य को बना पाएंगे। क्या ना करें समूह? तकदीर की भूमिका अच्छी है, पर उस वजह से भी कामकाज की स्थिति बनी रह सकती है। पर सिर्फ तकदीर के भरोसे न चलें। तकदीर की तुलना में आपकी अपनी मेहनत बहुत बड़ा काम कर सकती है, जिसके चलते सब कुछ आपके हित में बना रहे। ऐसा कोई भी बदलाव जो आप किसी के पास ला रहा हो, किसी से जोड़ रहा हो, उस बदलाव की तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। हमें आगे बढ़ना है और ध्यान देना है अब धनु और मकर आप पर। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है, पर बढ़ते हुए खर्चों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो खर्चे इस वजह से बढ़े हुए हैं क्योंकि आपकी इच्छाएं भी बहुत बढ़ी हुई। क्या करना चाहिए समय? अपने सख्त होते हुए विचारों में थोड़ी सी विनम्रता लानी होगी। किसी भी स्थिति को संभालने के लिए अपने अंदर थोड़ा सा लचीलापन ले आए तो किसी भी चीज को समझना आसान हो जाता है, और सही फैसले करना भी संभव हो पाता है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों के खिलाफ कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपके व्यवहार को सख्त करता चला जाए। अगर कोई चीज पसंद नहीं भी आ रही तो भी हर चीज को कमी की नजर से देखना ठीक नहीं है। मकर राशि वालों का भरोसा जगेगा तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को सही दिशा दे पाएंगे, और किसी अच्छे निवेश का विचार बनता चला जाएगा। भाग्यशाली समय है,
जो आपके कामकाज में स्थिरता प्रदान कर सकता है, जिसकी वजह से कोई अच्छा निवेश संभव हो पाए। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी नए काम में हाथ डालने से बचना होगा, क्योंकि ये बदलता हुआ समय है और आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा फैसला बदलना पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने में ही फायदा है। क्या ना करें इस समय में? अपने जीवन साथी से किसी भी तरह का तकरार ना उत्पन्न करें, ना ही किसी ऐसी बहस में पड़े जो लोगों के विचारों को आपके खिलाफ करती चली जाए। इसलिए भी अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाए कि लोगों से तालमेल बिठाना मुश्किल होता चला जाए। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आ रहा है आपके सामने और साथ ही साथ आपके लिए आ रहे हैं अचूक टिप्स ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के आज के लिए। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि बढ़े हुए खर्चे भी नुकसान पैदा कर सकते हैं और कामकाज से जुड़े फैसलों में गलती हो जाए तो भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए ये चुनौती भरा समय है, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। क्या करना चाहिए समय? अभी भी बहुत कुछ संभला हुआ है जिसे संभाले रखना जरूरी है। अपनी आर्थिक स्थिति को इस रूप से चलाना होगा जो आपकी बचत को बढ़ावा दे सके और वही बचत आपके भविष्य में आपके काम आए। इस प्रयास में लोगों से अच्छी सलाह लेने की कोशिश करनी होगी आपको। क्या ना करें इस समय में? पैसा कमाने के बजाय पैसा जुटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से स्थिति बहुत दूर तक संभलती नहीं है। अगर आज के हालात संभल जाएं तो इसका यह मतलब नहीं है कि भविष्य को भी आपने अपनी पकड़ में कर लिया। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति भाग्यशाली रूप से संभली हुई है। ये और बात है कि रोजमर्रा के खर्चे भी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी चीजों को समझाने की जरूरत पड़ सकती है। सही योजना बनाने के प्रयास में भी आपको अपनों का समर्थन चाहिए होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की स्थिति फिलहाल संभली हुई है, पर उसे बनाए रखने के लिए आपको लगातार जूझना पड़ेगा और अपने मन में बिठाई हुई भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत भी पड़ेगी। काम की स्थिरता बनी रहे तो ये किसी भी तरह के लाभ से कहीं बेहतर। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी मुश्किलों को समझने में कोई गलती ना करें। इसलिए ऐसा ना सोचें कि आपको अपनों का वो समर्थन मिल पाएगा जिसकी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। हो सकता है आपके अपनों के मन में कई तरह के ऐसे विचार हों जिन्हें आप पूरी तरह से समझ ना पा रहे हैं। तो अपनों के मन में क्या है उसे भी आपको समझते हुए ही जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। हमें भी आगे बढ़ना है सवाल के साथ। अंकुश गुप्ता का सवाल है, 29/5/1988 बटोटे में जन्म हुआ है, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट रामबान, 12:45 AM रात में। बिजनेस और शादी से जुड़ा इनका सवाल है। अभी एक कंपनी में बतौर सेल्स ऑफिसर काम कर रहे हैं। अपना बिजनेस कब तक शुरू करना चाहिए इनको और कब तक इनकी शादी का समय? अंकुश, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है बुध की January 2022 तक। जॉब में है पर अपना बिजनेस करने का मन है। देखिए, अभी आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस के लिए अनुकूल समय नहीं, और कोई भी समय अगर जिसमें नुकसान का कोई भी जरा सा भी अंदेशा हो तो ऐसे में बिजनेस नहीं करना चाहिए। जॉब से जुड़े रहिए, सब ठीक है। आपने पूछा शादी के बारे में, तो सितंबर अक्टूबर 2020 में आपकी शादी हो सकती है और उस समय का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। सितंबर अक्टूबर 2020 में आपकी शादी के लिए बहुत बढ़िया सा समय है, तो उसके लिए शुभकामनाएं आपको एडवांस में। और अभी आपको जॉब ही करनी है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। आगे ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट का तो समय है, तो किसके नाम खुल रहा है आज का जैकपॉट? वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि घर परिवार में अपनों से जुड़ना होगा और कोई भी यात्रा या परिवर्तन अगर आपको अपनों से जोड़े तो उस बारे में कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि इसी बात पर आपकी जिंदगी की खुशियां निर्भर करेंगी। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए जिंदगी में रिश्ते बहुत अहम होते हैं, रिश्तों को बहुत सम्मान दीजिएगा। रिश्ते अगर आपके साथ हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ है। हमारा आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत, कल होती है आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।